नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ और मैं हूँ चंद्रजीत कुमार। मैं बिहार में हूँ और बिहार के मैं दरभंगा ज़िला में हूँ और दरभंगा ज़िला के वार्ड नंबर 17 जो मैं हूँ और जो दरभंगा रेलवे जंक्शन के पास है वार्ड नंबर 17 और उस 17 में म्यूजियम है चंद्रधारी संग्रहालय, उसके अंतर्गत मैं उस कैंपस में खड़ा हूँ। और ख़ास बात यह है कि यहाँ पे एक वाटर बोटिंग का उद्घाटन हुआ है, जो आप देख रहे हैं जो दिग्घी पे जो म्यूजियम है उसमें उद्घाटन हुआ है, जिसमें जो नगर निगम के सदन से शुरुआत हुआ है उसमें यहाँ के जो मेयर हैं और उसके आला पदाधिकारी हैं उनका उद्घाटन किए हैं। अभी यहाँ पे एक वार्ड नंबर 17 में जो इसका उद्घाटन हुआ है और यहाँ के वार्ड पार्षद भी अभी अवस्थित है, मैं उनसे पूछूँगा कि क्या खास है और इसमें आपका क्या योगदान है, जो आपने जो बोटिंग नौका बिहार का जो नौका बिहार मतलब कि यहाँ जो बोटिंग होगा उसमें क्या खास है। तो हम बात करते हैं वार्ड नंबर 17 के वार्ड पार्षद विकास चौधरी से। तो पहले मैं इनका स्वागत करूंगा अपने चैनल में आई न्यूज़ में। चलो स्वागत है आपका आई न्यूज़ में। हाँ नमस्कार, आपका नाम क्या हुआ? विकास कुमार। तो बताइए सर कि उद्घाटन तो दरभंगा नगर निगम के मतलब कि मेयर तो हो चुका है, उसमें आला पदाधिकारी थे और उसमें आप भी सम्मिलित थे, तो क्या यह जो उद्घाटन हुआ है तो उसमें इसमें क्या खास रहेगा नौका के लिए? नौका बिहार दरभंगा में आज उद्घाटन हुआ है, इससे दरभंगा के लिए बहुत खुशखबरी की बात है और दरभंगा में पर्यटन का एक स्थल बढ़ेगा और दरभंगा वासी के लिए और मधुबनी दरभंगा समस्तीपुर मधुबनी सभी वासी के लिए यहाँ पर एक माने यहाँ के अब पर्यटन स्थल बहुत पर्यटन स्थल का एक केंद्र बनेगा। हाँ तो कहना है कि यहाँ पे जो है एक पर्यटक स्थल का एक केंद्र बना है और इनमें इनका भी कुछ खास रोल है, क्योंकि वार्ड पार्षद भी हैं तो इनका बहुत बड़ा खास रोल है। अब कहना है सर कि ये जो बोटिंग जो करेंगे तो उसमें कुछ शुल्क भी होगा क्या? शुल्क भी है, तो बताया जाए कि शुल्क है तो इसमें तो वो जो शुल्क जो होगा यह किस डिपार्टमेंट को जाएगा? नगर निगम को। तो ये जो बोटिंग का शुल्क होगा वो मान नगर निगम को जाएगा, जिसमें कुछ सरकार को फायदा होगी। तो अब ये कहना है कि हमारे वार्ड पार्षद विकास चौधरी जी का जो कहना है, तो मैं कैमरा मैन से कहूँगा कि जो उद्घाटन हुआ है बोटिंग का उसको सीन को दिखलाएं। ये राजा के तो मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे इसी का उद्घाटन हुआ है और उसमें जो है कुछ पदाधिकारीगण जो है माने जो यहाँ पे कार्य में माने अवस्थित है घूमे इनसे पूछे कैसा लगे, जो मतलब कि ये है तो यहाँ के जो स्टाफ लोग भी हैं। अब कहना है कि सर ये लोग क्या यहाँ पे इन्हीं का है, तो कहना कि यहाँ पे जो बोटिंग लोग कर रहे हैं तो यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनसे पूछते हैं कि भाई अगर बोटिंग या जो ओपनिंग हुआ है उसमें क्या कुछ कहेंगे? क्या नाम हुआ सर आपका? जी मेरा नाम मोहम्मद कमालुद्दीन है। तो बताया जाए कि आप नौका विहार करने के लिए आप हैं? जी अभी मैं इधर आया हूँ घूमने के लिए और ये बड़ी खुशी की बात है कि अभी एक घंटा पहले इसका शुभ आरम्भ किया गया है, तो अभी ये लोगों का फर्स्ट टाइम है और ये हमारे दरभंगा के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैं सरकार को धन्यवाद देता हूँ कि इस तरह का जैसे ये दरभंगा है मधुबनी बिहार में फैसिलिटी होनी चाहिए। लोग बाग यहाँ भी है घूमने वाले, लेकिन होता क्या है कि हम दोनों यहाँ कुछ हो नहीं पाता है, तो इसलिए बहुत बढ़िया। तो एक एक स्थानीय आदमी से पूछेंगे कि यहाँ पे भी एक मैंने यहाँ के लोग हैं जो नगर निगम के एक पदाधिकारी ही हैं, तो उनसे पूछते हैं मैं बड़ी उल्लास के साथ पहले कहता हूँ कि हमारे दरभंगा शहर में पहली इससे पहले भी 2005 में जो ठंडा जिससे अपनी चाहिए उत्पादन की वो नहीं सक्सेस हुआ, लेकिन यह प्राइवेट कंपनी को दे दिया गया नगर निगम के द्वारा, इससे बहुत दरभंगा के पर्यटन बढ़ेगा और मैंने नैनीताल भी घूमा हूँ, इससे बहुत छोटा जैसे तालाब है
बगल में हराई तालाब है वो 35 एकड़ का है, इसके बगल में गंगा सागर तालाब है 50 एकड़ का है। हम यहाँ से सरकार को कहना चाहते हैं कि तीनों तालाब को मिला दिया जाए तो पूरे हिंदुस्तान में एक ऐसा तालाब बनेगा जो पूरे बिहार का नाम रोशन होगा और मिथिला का नाम रोशन करेगा। तो कहना है कि यहाँ पे बहुत सारे लोग, यहाँ पे जो बोटिंग का उद्घाटन हुआ तो बहुत सारे लोग आए हैं, तो मैं कैमरा मैन से कहूँगा कि बोटिंग को दिखलाएं और दर्शक को दिखलाएं कि यहाँ पे बहुत सारे लोग आए हुए हैं। तो मैं कहना चाहूँगा कि यहाँ पे एक महिला है जो घूमने के लिए आए हैं, जो मुझे पूछता है क्या क्या नाम हुआ तो बताए कि आप मैंने बोटिंग करने के लिए आए हैं। चलिए अच्छा है, तो मैं यहाँ पे बात करता हूँ एक दर्शक से, जो क्या नाम हुआ सर आपका, तो बताइए कि आप नौका विहार करने के लिए आए हैं। उद्घाटन हुआ है इसमें आप क्या खास करना चाहेंगे? तो मैं कैमरा मैन से कहूँगा कि पूरे बोटिंग को दिखलाएं। बात करेंगे अब, चलिए बोट में चलिए, यहाँ भीड़ मत लगाइए, चलिए बोट में टिकट साथ में ही रखना, टिकट फिर भी लाइव जगह हो गया। तो मैं कहता हूँ कि यहाँ पे जो मैंने बोटिंग हुआ उसमें कुछ स्टाफ है, मैं उनसे पूछूंगा कि यहाँ पे जो स्टाफ है यहाँ जो पूछते हैं कि यहाँ पे जो क्या है, क्या क्या है, क्या नाम हो सर आपका, तो बताइए सर कि आप यहाँ पे नौकरी करते हैं बोटिंग के लिए, तो बताइए सर कि ये जो बोटिंग की शुरुआत होगा क्या बजे होगा? इधर 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 पिताजी को जानते हैं, कब स्टार्ट होगा बोलिए। अच्छा तो ये बताया जाए कि 9 बजे शुरुआत होगी, तो आपकी ड्यूटी कब तक रहेगी?